अरे केतकी, कितना टाइम लगा रही है, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाना। एक कमरे को साफ करने में इतना टाइम, दिखाओ जरा। ऐसे लिखते हैं एप्पल, ये होती है एप्पल की स्पेलिंग, APPEL। मिटाओ इसे, दोबारा लिखो, कल ही सिखाया था ना मैंने इसे, फिर से लिखो। दिन भर इधर खेलना उधर खेलना, ये गेम्स वो खिलौने, और पढ़ाई पर कभी ध्यान नहीं देना। केतकी, आज कुछ खाना बनेगा या नहीं बनेगा, या हम लोग ऐसे ही भूखे रहेंगे। तंग आ गई हूं रोज रोज तेरी कंप्लेन देख देख कर। तेरी टीचर की रोज ना जब भी डायरी खोलो कोई ना कोई कंप्लेन लिखी हुई आती है। अगर आज के बाद तेरी दोबारा इस डायरी में कंप्लेन लिखी हुई आई ना, तो तेरा घर से बाहर खेलना कूदना बिल्कुल बंद, घर के अंदर बंद रहेगा। क्या गिरा दिया? जाओ तो बंदर। क्या है केतकी? रोज इस घर में कुछ ना कुछ खिटपिट जरूर होती है। हे भगवान, ये क्या कर दिया? एक काम भी तू ढंग से नहीं कर सकती है, हाँ? जी वो गलती से मेरा हाथ लग गया। बस आज के लिए इतना नुकसान काफी है, निकल, मैं अपना खाना खुद बना लू। चल निकल यहां से। जाओ। इसे क्या हो गया? लगता है इसने आत्महत्या कर ली है। अरे भाई कोई बोलो, पुलिस वाले को बोलो ना, प्लीज बोलो, पुलिस को बोलो। अब बताओ नरेश, कामकाज कैसे चल रहा भाई? कुछ खास नहीं यार, तू तो जानता ही कंपनी का लोचा। खैर मेरी छोड़ अपनी बता, तेरा क्या चल रहा है आजकल? वही सुबह निकलते हैं शाम घर आते हैं। आ केतकी, हमारी केतकी चाय बहुत ही बेहतरीन बनाती है। अरे वाह। Thank you. नहीं केतकी, उसको कोल्ड ड्रिंक मत देना। मम्मा मैं थोड़ी सी पी रहा हूँ। मना किया ना मैंने, नो मीन्स नो। केतकी इसे लेके जाओ। नहीं मम्मा मैं पीऊंगा। समीर मम्मा मैं थोड़े लूंगा। समीर बिहेव योरसेल्फ, रखो इसको वापस, रखो। समीर, अबे बेटा। समीर क्या किया तूने? एक ग्लास भी नहीं संभाल सकता, बहुत जिद्दी हो गया तू। अभी केतकी कर ले, केतकी जरा के यहाँ कान साफ कर देना। जी आई। ठीक हो ना? लगी तो नहीं ना? हाँ केतकी जरा संभाल के करना साफ। यहाँ वहां क्या देख रही है? जल्दी जल्दी हाथ चला। केशव भाई ये तो बहुत बड़ी कामचोर है। भाभी इसकी उम्र हो गई। केशव
इसे घुमा के लाते हैं। हाँ चलो। हाँ हाँ, मेरी तो एक बात नहीं सुनता है, आप ही ने इसे सर पे चढ़ा के रखा है। हम लोग कितकी हम लोग बाहर जा रहे हैं, हाँ संभाल के साथ। दिन भर का यही काम करती रहोगी और कुछ काम नहीं है तुम्हें? पता नहीं केशव कैसे तुम्हें छेल लेता है, मेरे यहाँ होती ना तो दो दिन में काम से निकाल देती। खाना क्या बनाया है? सब बना हुआ है, रसोई घर में रखा है, मुझे देर हो रही है, दूसरी जगह काम पर जाना है। हाँ हाँ जाओ जाओ महारानी। ये भी यही छोड़ के चली गई, काम छोड़ गई की। भाई बेटा पानी पूरी खा के मजा आया? बहुत 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 भारी हो बेटा। अच्छा मैं अपन कोल्ड ड्रिंक पीएंगे। अरे आ, क्या हो गया? घर पे मोबाइल भूल आया। तुम लोग यहाँ रुको, मैं अरे मैं भी चल रहा हूँ ना, पहुंचता सविता का मूड बदल गया। हाँ ये देखिए है ना। चल चल बेटा। सर हम लोग शेर की गुफा में जा रहे हैं सर, ये शेर जागा ना वरना हम पे झपट्टा मार देगा। कितनी बार कहा है डीसीपी सर घर पर नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, कब झपट्टा मार देंगे। पानी टपकने की आवाज कहाँ से आ रही है? सबसे पहले मुझ पर ही झपट्टा मारेंगे। उस केतकी ने कोई रूम का नल खुला छोड़ दिया होगा। यहाँ का तो बंद है, फिर ये आवाज कहां से आ रही? शायद बाथरूम। केतकी भी ना, तो पानी बंद है। चलो पाइप तो लीक नहीं है, बाहर चेक करती हूँ। पता नहीं आजकल ध्यान क्या रहता है। कोई बात नहीं, अंदर से बंद है। माँ टीवी तो नहीं देख रही? हाँ शायद बिल भेज दो। अभी अभी दरवाजा क्यों नहीं खोल? सविता अभी सविता सुन रही हो ना? सविता भाभी दरवाजा खोलिए। अरे क्या हुआ भाई साहब, दरवाजा नहीं खोल रही है? सविता दरवाजा खोलो। मम्मा
तो सविता की आवाज है। बच्चे संभालिए। भाभी सविता नरेश नरेश सविता 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 ये क्या हो गया कैसे हो गया नरेश सविता ये तुम्हें क्या हो गया नरेश संभालो अपने आप को नरेश चुप हो जाओ संभालो ये सब कैसे हो गया देखो सर सर केशव जी उनके अलावा घर में कोई भी नहीं था दरवाजा भी बंद था आपके घर से बाहर जाना और वापस लौट के आना लगभग 20 मिनट लगा होगा जी हाँ प्लीज डोंट माइंड एक नॉर्मल प्रोसीजर आपके या आपकी पत्नी किसी के साथ कोई दुश्मनी मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी ना ही सविता के किसी से झगड़ा था मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हो गया ये केशव जी इस घर में आते जाते लोग किसी पे कोई शक शिकायत नहीं आपने हाल फिलहाल में घर में कोई काम करवाया कोई प्लम्बर कारपेंटर किसी पे कोई शक नहीं नरेश जी फिर भी आपको किसी पे शक है मुझे नहीं मालूम कुछ केशव जी आपको एक बार पुलिस स्टेशन आना होगा कुछ फॉर्मेलिटीज है पूरे करने और इसमें मेरा फोन नंबर दिया हुआ है आपको कोई बात पता चल जाए याद आए तो मुझे फोन कर दीजिए सर नहीं सर उस औरत का सर ये नहीं हो सकता ये रहा ये नहीं हो सकता ये ना ना ए! देख के नहीं चल सकता क्या पता नहीं कहां कहां से आ जाते
ना कुछ तो अजीब है केतकी के बारे में, मुझे पता लगाना होगा। या तो उसके घर जाकर या तो उसके आस पड़ोस से। ठीक है सदिया भैया, मैं तो सवेरे 6 बजे ही पानी भर के रख रही थी। अरे मेरे को क्या पता कि पानी का चक्कर कितनी जल्दी शुरू हो जाएगा। आप लोग बता सकते हैं यहाँ पे केतकी का घर कौन सा है? केतकी का घर जी सामने जाकर आखिरी वाला घर। थैंक यू। माफ करना साहब, वो केतकी के घर कभी हमने किसी को आते जाते नहीं देखा, आप जानते हैं उसको? जी दरअसल वो मेरे घर पे काम करते हैं, कुछ दिनों से आई नहीं थी तो मैं देखने चला है कि वो कैसी है। वैसे अपने आप में ही रहती है वो, ना किसी से मेल जोल, ना कहीं आना जाना, कोई दुख तकलीफ भी हो ना तो कभी नहीं बुलाती। कौन कौन रहता है उसके घर पे? पता नहीं साहब, हमने तो किसी को नहीं देखा, पर हाँ रात में कभी कभी उसके घर से चीखने की आवाजें जरूर आती है और दर्दनाक रोने की आवाजें भी। मुझे तो बच्चों की आवाजें लगती हैं। मुझे भी। लेकिन आप लोग ने कहा है कि केतकी घर में अकेले रहती है, तो फिर बच्चों की रोने की आवाज? क्या मालूम साहब क्या है, हमने तो कभी कोई बच्चा देखा नहीं, इसलिए हम लोगों ने भी कभी ज्यादा पूछताछ की। अच्छा सर, केतकी अकेले रहती है और उसके घर से बच्चे की रोने की आवाज आती है। सारे सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। कैसे? हाँ, एक बार केतकी अपने घर की चाबी छोड़ गई थी मेरे घर पर, शायद अभी भी हो।
केती, केती, केती। रुक, रुक, रुक। क्या हो गया केती? क्या केती? कौन है यहाँ? कौन है? बाहर कर। इस बच्चे को इसने कब से छुपा के रखा होगा? 10-12 साल का तो होगा ये, और इसी के चीखने की आवाजें आती होंगी घर से। ये तो कभी अपने घर में अंदर नहीं आने देती थी। बताओ, साथ साथ रहते थे और इतने साल कानो कान खबर भी नहीं हुई। वही था ना जिसने मुझ पर हमला किया था? हाँ, मैं जानता हूँ। खैर, अभी पुलिस को फोन करता हूँ। नजर रखना। ये मेरा बहन था, थक गया, कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं, थोड़ा आराम कर लेता हूं। वो यहाँ है। मैं आके बताऊंगा, मैं आके बताऊंगा। हाँ, यहाँ आया। केशव, क्या हुआ? तू क्यों तक घबराया यार?
अरे यार कुछ बोलेगा वो बच्चा मेरे घर पे था। कौन से बच्चे की बात कर रहा है? वो बच्चा जो तुझे किसी घर में मिला था। वो यार कैसी बात कर रहा है? तूने तो खुद उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया था ना? हाँ, लेकिन वही था, वो वही था। तू बैठ, तू आराम से बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेके आता हूँ। तू बैठ, चल बैठ, तू आराम से बैठ, मैं आता हूँ लेकर। मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने उसे फ्रिज में बंद कर दिया। घर पे भी ये कह रहा था, कभी यहाँ कभी वहां, इसी ने सविता भाभी का खून किया, अब ये हमारे पीछे पड़ा हुआ है। अब क्या करें? क्या बात, फौरन निकल चलते हैं। चल चल चल, चल। केशव, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है। वो लड़का तेरे घर पे भी था और मेरे घर पे भी। केशव, तू एक काम कर, तू इंस्पेक्टर यादव कॉल कर और पूछ उसे लड़के के बारे में। हाँ, ये ऑफिस भिजवा दो। ओके सर जी। केशव जी, इंस्पेक्टर, वो लड़का वो लड़का मेरे घर पे था और मेरे दोस्त नरेश के घर पे भी था। कौन सा बच्चा? वही जो कीति के घर से मिला था, मैंने अपनी आंखों से देखा। वो बच्चा अभी हॉस्पिटल में। आप क्या बात करें, वो हॉस्पिटल में कैसा हो सकता है? हमने हमारे घर में देखा उसे। देखिए केशव जी, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तब खुद हॉस्पिटल में जाके देख लीजिए। ये हेलो, क्या बोल रहा है? एक काम कर, हाँ तू हॉस्पिटल की तरफ चल। ठीक है। हमारे पीछे यहाँ तो कोई नहीं है। गाड़ी चली चला। हमें किसी भी हालत में हॉस्पिटल पहुंचना है। चला हमसे पहले कैसे पहुंच गया? तूने मारा ना मेरी सविता को, उसका खून करके तू आराम से लेटा हुआ यहां पर। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा। क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे बच्चे की हालत तो देखिए। अरे ये तो खुद अधमरा है, ये किसी को क्या मारेगा? पिछले कई घंटों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। हम सब यहाँ थे, एक मिनट के लिए भी नहीं उठा। डॉक्टर ने भी ऑब्जर्वेशन में रखने को कहा है, पुलिस भी तो इसीलिए छोड़ के गई है इसको, बता ना तू इनको। हाँ हाँ साहब, चार घंटे से हम सब यही हैं। झूठ कह रहे हो आप लोग सब। ये लड़का मेरे घर पे था, कुछ देर पहले मेरे घर पे था, नरेश के घर तक इसने मेरा पीछा किया।
इसके बाद उसने क्या किया? साहब आप क्या बात कर रहे हैं, ये कहीं नहीं गया और ये कहीं जा भी नहीं सकता। चुप करो तुम लोग सब। नरेश मैं कह रहा हूँ ये सब मिले हुए, तूने देखा था ना, ये लड़का था ना वो, इसी ने भाभी का खून किया और अब ये हमारे पीछे पड़ा हुआ है। ये समझता क्या अपने आप को, आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ए! हाथ मत लगाना इसे, कुछ नहीं किया इसने। मैंने अपनी आंखों से देखा है, समझे? मैं कह रही हूं ना, कुछ नहीं किया है इसने। इसने मुझ पर भी हमला किया। साहब ये वो नहीं है साहब, मेरा विश्वास कीजिए। माँ हो ठीक है, लेकिन तुम्हारे इस लड़के ने हद पार कर दी है, इसे बचाने की कोशिश मत करो। अरे किसको समझा रहे केशव, ये भी मिली हुई है, ये सब इसी का प्लान है। इसने सोचा बच्चे पे कोई शक तो करेगा नहीं और अपना काम आराम से करेगी। मैं इसके लड़के को मार डालूंगा आज। मरे हो को क्या मारोगे साहब, मर चुका है वो। कौन मर चुका है? मेरा बेटा। तुम्हारा बेटा मर चुका है? ये है तुम्हारा बेटा, तुम्हारे सामने जिंदा। हाँ ये है, मेरा एक बेटा और था, इसका जुड़वा भाई, वो मर चुका है साहब, वही है जो सबको मारता है। क्या बातें कर रही हो तुम केके, पागल हो गए हो क्या तुम? सोचो क्या बोल रहे हो तुम। केशव ये हमें बातों में घुमा रही है, इस बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही है, मरे हुए कभी वापस नहीं आते। आते हैं साहब, मेरा बेटा भी वापस आया, उसकी आत्मा वापस आई, वो यही है साहब, आप मेरा विश्वास कीजिए, वही है जो सबको मार रहा है, इसने कुछ नहीं किया। बस बहुत हुआ बकवास, झूठ बोल रही हो तुम। झूठ नहीं बोल रही हूँ साहब, विश्वास कीजिए मेरा, दो बेटे थे मेरे, कुछ साल पहले उसकी मौत हो गई, बहुत बीमार था वो, मैं उसके लिए दवाई लेने की दौड़ी और बेटा देख देख मैं तेरे लिए दवाई लेके आई, उठना उठना बेटा। नहीं बेटा देखना, उठना 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 मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। वाह क्या कहानी सोची, वाह सही है तुम मेरे माँ बेटे, बेट होंगी और इसका लड़का खून। साहब वो यहीं पर है साहब, साहब वो दिल का बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है वो, मेरा राजा बेटा, बहुत प्यारा सा है मेरा बच्चा, बस बस उसे ऊंची आवाज पसंद नहीं है, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे से ऊंची आवाज में बात करे वो उसे नहीं छोड़ता, और कोई मुझसे ऊंची आवाज में बात करे तो उसे बहुत गुस्सा आता है, बहुत इतना गुस्सा कि वो किसी की भी जान नहीं सकता है। तो उस दिन मेरे घर पर भाभी का जो खून हुआ उस वक्त भी तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ था। हाँ साहब, मेरे साथ ही था, पर जब मैं उसे आपके घर लेने गई वापस तो तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि मेरी सविता को तुम्हारे मरे हुए बेटे की आत्मा ने मारा ना?
हाँ। तुम पहले से सब कुछ जानती थी, फिर भी तुमने नहीं रोका सर। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अपनी माँ की बात मानेगा ना, मेरा बहुत अच्छा बेटा है। मेरे साथ ही शुरू हुआ था, मेरे साथ ही खत्म होना। इसका ख्याल रखिएगा। क्योंकि मेरा राजा बेटा हमेशा अपनी माँ के साथ रहेगा ना, अपनी माँ को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, है ना? माँ भी तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएगी बेटा, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। बेटे आओ आओ, अंदर आओ। हाँ, ये आपका घर है, ये आपका नया घर है। आराम से संभाल के आ, धीरे धीरे। हाँ, अब से आप यहां रहोगे। हाँ, आराम से आराम। एक सेकंड, डॉक्टर ने ये मीठी मीठी दवाइयां दी है। इसे खाओगे तो आप जल्दी से अच्छे हो जाओगे, लेकिन इसके साथ आपको खाना खाना पड़ेगा। खाना खाओगे? ताजे ताजे पोहे। ये लो, जल्दी से पोहे खा लो, तब तक मैं मुंह हाथ धो के आता हूं।
उसके बाद हम आपकी दवाई खाएंगे मीठी मीठी सी। Enjoy more horror TV content like this. Please subscribe to our channel and click the bell icon.